जहां कहीं भी इनकी मनमर्जी है, इनको जब जैसा मन करेगा हमको उखाड़ते रहेंगे। हमारी ताकत इतनी मजबूत है, खाली यूनिवर्सिटी थोड़ी घेरेंगे। साथी हैं यहाँ पर, सबसे पहले उनके मन में एक सवाल है कि आज हम यूनिवर्सिटी के गेट पे क्यों खड़े हैं? हम जो हमारी लड़ाई लड़ते हैं जब हमको वहाँ पुलिस हटाती है उसके लिए, तो आपके दिमाग से ये चीजें एकदम क्लियर कर दे कि आज हम यहाँ पे क्यों हैं। आपको ये बात समझ लेना होगा कि रोड में हमको उखाड़ा जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे इन प्रोफेसर को और इनको उखाड़ा जाता है, बस्तियों में उनको उखाड़ा जाता है। मतलब हर एक जगह जहां कहीं भी इनकी मनमर्जी है, इनको जब जैसा मन करेगा हमको उखाड़ते रहेंगे। और जब तक ये सारा कम्युनिटी, जो लोग भी इस तरह के एकेडमिशन बैकग्राउंड से है वो लोग और हम रोड वाले लोग, जब तक एक साथ इकट्ठे होकर के इस पूरी तरीके के उजाड़ीकरण, ये हर तरह का उजाड़ीकरण है, रोड में हमको उजाड़ेंगे, यूनिवर्सिटी में इनको उजाड़ेंगे, और बस्तियों में मकानों की जगह पे स्लम उजाड़ेंगे, हर जगह सिर्फ उजाड़ेंगे। हमारे लिए इनके न दिल में जगह है, न दिमाग में जगह है, न जगह जमीन में कोई जगह, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हमें ये कूड़े से ज्यादा खराब ट्रीट करना चाहते हैं, इसलिए इसी एक कारण के लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठे हैं। ये बात आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। आपने से बहुत लोगों ने ये बात पूछा कि हम यहाँ क्यों हैं, आप इस बात के साथ हैं या नहीं है? किसी भी तरह के गैर संवैधानिक उजाड़ीकरण के खिलाफ, चाहे कोई हो कहीं हो, वो सरकारी कार्यालय में हो, वो मंत्रालय में हो, वो यूनिवर्सिटी में हो, वो रोड में हो, वो सड़क में हो, झुकी में हो, हम हर जगह उसी मजबूती से, उसी ताकत से खड़े रहेंगे। ये बात समझ में आ गई? अभी यहाँ हमारा जो भी वेंडर खड़ा है, एक भी वेंडर तब तक नहीं हिलेगा जब तक कि हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। अगर वो हिलता है, समझो कि आपने अपनी जड़ काटी है। कल जो आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका बच्चा इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएगा, और जब उसके साथ यही भेदभाव होगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आ रही बात समझ में? तो आज हम यहाँ भले 150 की संख्या में है, कल जब कोई प्रोग्राम होगा, जब तक कि ये जो पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि इनकी गलती है, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, हम 5000 की संख्या में खड़े रहेंगे। हमारे हर बच्चे के भविष्य का सवाल है, इसीलिए दिल्ली का हमारे संगठन से जुड़ा हर एक वेंडर इस लड़ाई के खिलाफ है, और हम, हमारी ताकत इतनी मजबूत है, खाली यूनिवर्सिटी थोड़ी घेरेंगे, हम हर पूरे दिल्ली के हर सड़क पे, हर रोड में ये प्रोग्राम करेंगे। और अभी इस बात का हम घोषणा करते हैं कि जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होगी, हर बाजार में, हर सड़क पे इसके खिलाफ आंदोलन होगा।